तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जायकेदार और मसालेदार खानदेशी अंडा करी की रेसिपी। आप इस अंडा करी को चावल रोटी या फिर तंदूरी रोटी के साथ परोसकर खा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मनीषा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने गैस ऑन करके लोहे का तवा इसके ऊपर रख दिया है। तवे के अंदर हम डालेंगे एक छोटा चम्मच तेल। अब मैं इसके अंदर डालूंगी स्लाइस में कटा हुआ एक प्याज और इसे हमें अच्छी तरह से भून लेना है 5-6 मिनट तक हाई फ्लेम पे। तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि प्याज का कलर चेंज हो गया है, तो आपको भी सेम इसी तरह से डार्क ब्राउन कलर होने तक प्याज को भून लेना है। तो भुने हुए प्याज को मैं ग्राइंडर जार के अंदर निकाल लेती हूँ क्योंकि हम इसे इसके अंदर ही पीसने वाले हैं। ग्राइंडर जार के अंदर निकालने के बाद इसे हम साइड में रख देंगे और सेम तवे के अंदर अब मैं इसके अंदर डालूंगी आधा कप किसा हुआ सूखा नारियल और इसे हमें सिर्फ 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भून लेना है। इसे आपको बहुत ज़्यादा नहीं जलाना है। अगर आप सूखा नारियल बहुत ज़्यादा भून लेते हैं या फिर जल जाता है तो करी का स्वाद थोड़ा कड़वा हो जाता है। तो बस थोड़ा सा भूनने के बाद इसे भी मैं ग्राइंडर जार के अंदर निकाल लूंगी जिसके अंदर हमने पहले भुना हुआ प्याज डाला था। इन दोनों को हम साइड में रख देते हैं। अंडा करी की ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी बने इसलिए हम क्या करेंगे, 2 बड़े चम्मच बेसन लेंगे यानी कि चने का आटा और इसे भी हमें लो फ्लेम पे 2-3 मिनट तक भून लेना है, हल्का ब्राउन कलर होने तक बस थोड़ा ही भूनना है। तो बेसन भूनने के बाद इसे मैं बोल के अंदर निकाल के साइड में रख दूंगी। तो यहाँ पे हमने अभी तक प्याज, सूखा नारियल और बेसन को भुना है। तो भुने हुए बेसन को हम साइड में रख देंगे। अब हमें फिर से ग्राइंडर जार के अंदर 10 से 12 छिली हुई लहसुन की कलियां और 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ अदरक को इसके अंदर डाल देना है। तो बस लहसुन अदरक को मैंने इसके अंदर डाल दिया। साथ ही साथ मैं इसके अंदर डालूंगी 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटा चम्मच मटन मसाला। आप मटन मसाले की जगह पे गरम मसाला या फिर चिकन मसाला भी डाल सकते हैं। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से पीसे जाए इसलिए मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा पानी। जार का ढक्कन बंद करके यहाँ पे मैंने मसाला बारीक होने तक अच्छे से पीस लिया है, आप वीडियो के अंदर देख ही सकते हैं। तो अंडा करी बनाने के लिए मसाला पीस के बिल्कुल तैयार है। फिर से मैंने कढ़ाई के अंदर 1/4 कप तेल डाल दिया है। जैसे ही तेल गर्म हो जाता है इसके अंदर हम 1 तेज पत्ता डालेंगे और ये मसाला डालेंगे जो हमने अभी पीस के रखा है। तो ग्राइंडर जार का सारा मसाला मैंने डाल दिया है। साथ ही साथ इसके अंदर हमें भुना हुआ बेसन भी डाल देना है जो हमने पहले भून के रखा था। तो बस इन सारी चीजों को हमें चम्मच लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है और कलछी लगातार चलाते रहना है ताकि जो मसाला है चिपक के जल ना जाए। तो थोड़ी देर में आप देखेंगे इसका कलर चेंज हो गया है, इसके अंदर से तेल भी निकलना शुरू हो गया है। तो जब भी आपका ये जो भुना हुआ मसाला है कढ़ाई के किनारों को छोड़ देता है, कुछ इस तरह से दिखता है हलवे की जैसी, तो समझ जाइए कि आपका मसाला बहुत ही बढ़िया से भून के तैयार है। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे। शुरू में मैंने बस थोड़ा सा डाला है, मिला के देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है क्योंकि हमने इसके अंदर बेसन भी डाला है। तो बस इसे पतला करने के लिए फिर से मैं इसके अंदर डालूंगी 2 से 3 कप गर्म पानी। मिला के देखिए, तो आप ये ग्रेवी आपके हिसाब से पतली या फिर गाढ़ी बना सकते हैं, जैसे आप इसे खाना पसंद करते हैं। तो अब बारी आती है इसके अंदर उबले हुए अंडे डालने की। यहाँ पे मैंने 4 उबले हुए अंडे लिए हैं। आप चाहे तो इस तरह से पूरा अंडा भी डाल सकते हैं उबला हुआ, या फिर 2 भागों में काट कर भी ये उबले हुए अंडे आप ग्रेवी के अंदर डाल सकते हैं। मिला देंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक। मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच नमक डाला है, आप आपके स्वादानुसार नमक डाल सकते हैं। ग्रेवी गाढ़ी बनने के लिए हमने इसके अंदर बेसन डाला है, तो बेसन अच्छे से पक जाए इसलिए हमें करना क्या है, गैस की फ्लेम लो से मीडियम रख के 7-8 मिनट तक बॉईल होने के लिए छोड़ देना है। तो बस थोड़ी देर में आप देख सकते हैं इसके ऊपर तेल दिखने लगा है। यहाँ पे सब्जी बन के तैयार है। लास्ट में हम इसके अंदर डालेंगे कटा हुआ और धुला हुआ हरा धनिया। मिला देंगे। तो यहाँ पे अपनी सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है। मैं आपको बोल के अंदर निकाल के बताती हूँ कि इसकी जो ग्रेवी ना कितनी बढ़िया और गाढ़ी बनी है, ये देखिए। तो
तो इसे मैंने सर्विंग बोल के अंदर निकाल लिया है, ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल के गार्निश कर लिया है। तो आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है, झटपट आप बनाकर इसे खा सकते हैं। अगर आपको ये मेरी आज की मसालेदार खानदेशी अंडा करी की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूले। आप चाहे तो इसे आपके फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते। और भी आने वाली मेरी अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हम एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। Thank you.